व्यापारिक तौर पर बाजार में बड़े ब्रांड्स के नामों से आने वाले सभी घी प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है किमोज किचन घी, क्योंकि एक लीटर असली या शुद्ध घी 25 से 30 लीटर दूध से बनता है। धीमी आंच पर बिलोना प्रोसेस के साथ बनाए गए घी में न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल विटामिन्स भारी मात्रा में होते हैं। किमोज किचन घी शुद्ध ऑर्गेनिक बिना मिलावट के देसी और पूरी तरह से केमिकल मुक्त है। किमोज किचन घी खासकर आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, साथ ही बोन्स और मसल ग्रोथ में भी मदद करता है। किमोज किचन घी ऑर्डर करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं कल्याण डोंबिवली रोड से डोंबिवली पूर्व में पलावा सिटी में कासारियो गोल्ड विवियाना नाम की अलग अलग विंग्स है। यहाँ पर सेंसिटिव यानी काफी संवेदनशील केस है, इसलिए एग्जैक्ट बिल्डिंग जो है या हम बाकी चीजों का विवरण नहीं बताते, क्योंकि ये बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अत्याचारों का एक केस है, एक मामला है। हमें पीड़ित परिवार की जो बच्चों की पीड़ित बच्चों की माँ जो है उसने संपर्क किया था। 40 वर्षीय गृहिणी है, ये गृहिणी फिलहाल जो है अपना खुद का जो है छोटा मोटा कारोबार करती है, एंटिक्स का, बुटीक्स का, और उसके तहत अपने दो बच्चों का ये पालन पोषण करती है। 3 जुलाई को ये अपराध दर्ज होने के बावजूद आज 11 जुलाई हो गई है और बच्चों के साथ लैंगिक अत्याचार का मामला दर्ज होने के बाद भी अब तक मानपाड़ा पुलिस स्टेशन ने अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया है। इसमें अहम बात यह है कि ये जो अपराध हुआ है लैंगिक अत्याचार का बच्चों के साथ में, ये उनके अपने रहते घर में हुआ है। जैसे कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो द्वारा जो डेटा सालाना दिया जाता है, उस डेटा में आप अगर लैंगिक अत्याचारों के मामलात को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ये घर परिवारों में अपनों द्वारा अपने ही बच्चों पर ऐसे अत्याचार किए जाते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा संख्या मिलेगी। औसत अगर हम उसका देखेंगे यानी कि आप परसेंटेज उसका देखेंगे तो ये परिवारों के अंदर होने वाला अपराध है, और इसीलिए इस कानून की सख्त आवश्यकता थी और इसीलिए कानून बनाया भी है। मगर इस कानून को सही तरह से अमल में कितना लाया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और इस केस ने भी, इस मामले ने भी, ये दो बच्चे जो यहाँ पर पीड़ित हैं, इनकी माँ जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनकी पहचान गुप्त रखते हुए उनकी पूरी तरीके से जो है किसी भी तरह की जानकारी सबके सामने न लाते हुए ये पूरा मामला आपके सामने ला रहे। 3 जुलाई का ये केस है और अपराध दर्ज होने के बाद अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये आरोपी और कोई नहीं, इस महिला का अपना दूसरा पति और इन दोनों बच्चों का स्टेप फादर यानी सौतेला बाप है, जिसका नाम है अभय गणपतराव अथनेकर। ये भी इसी पलावा सिटी में कैसारिया गोल्ड के विवियाना की अलग अलग जो विंग्स है उसी में, एक विंग में ये अपने रहते हैं। इनकी बेटी है, दामाद है। काफ़ी पीड़िता जो महिला है उसके बताने के मुताबिक काफ़ी साधन संपन्न लोग हैं और उसी वजह से शायद अभी तक ये गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम बात करेंगे जी, क्या बताना चाहेंगे आप, ये पूरा मामला कैसे हुआ? आपके दूसरे पति हैं ये अभय अथनेकर, तो कैसे आपने इस पूरे मामले को उजागर किया? पहले क्या आपने कोशिश की कि यह मामला घर में ही खत्म हो जाए? अगर नहीं खत्म हुआ तो तब कहीं जाकर के आप मजबूर हुई होगी पुलिस स्टेशन जाने के लिए, तो क्या पूरी दास्तान है, क्या बताएंगे आप? जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि अभय गणपतराव अथनेकर से, उसने मेरे साथ धोखे से शादी किया है, मेरे को ब्लैकमेल करके उसने शादी किया है। अच्छा। एंड धमकी ये दिया है कि अगर मैं अपना मुँह खोलूँगी तो वो मेरा जो वीडियोज़ है वो वायरल करेगा। अच्छा। तौफीक खान को बोल के। अच्छा, Who is Taufik Khan? Taufik Khan is his son-in-law. अच्छा, उनके दामाद हैं। दामाद हैं उनके। अच्छा। वो मुझे मेरे वीडियो जो है सारे वायरल कर देगा बोला। अच्छा, यानी कि अपने पहले हस्बैंड से डिवोर्स के बाद अभय के साथ तुम्हारी जो भी जान पहचान हुई, रिलेशनशिप बनी, उस दौरान के कुछ वीडियोज होंगे वो? हाँ, ठीक है, ओके, लेट्स गो। तो अब ये बच्चों तक का मामला कैसे आया? जी, मुझे नहीं पता था कि ये आदमी इस तरह से गिर जाएगा कि छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसे हरकतें करेगा। मैं सुपरमार्केट नीचे जाती थी तो सोचती थी कि ये आदमी एज अ फादर लाइक वो बच्चों का ध्यान रखेगा करके।
तो मैं नीचे जाके मैं सुपरमार्केट जाती थी, तो उस दौरान वो छुपा छुपी खेलने के मेरी बेटी के साथ, उस दौरान वो गंदी हरकतें करता था मेरी बेटी के साथ। अच्छा, 7 साल की बच्ची 7 साल की बच्ची के साथ गंदी हरकतें करता था। एंड इवन मेरा बेटा जब बेडरूम में सोता था तो उसके बेडरूम में जाके उसने गंदी हरकतें की, अश्लील हरकतें की उसने उस मेरे बेटे के साथ। अच्छा। मेरे बेटे ने उसको धक्का दे के हॉल में भाग के आया एंड वो बेड के पीछे छुप गया। एंड जब उसने मुझे बताया इस तरह से, मम्मा इन्होंने, अंकल ने ऐसा किए मेरे साथ, तो हम दोनों का काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुआ इस चीज़ को लेके। तो उसने मुझे धमकी इसी बात का दिया है कि तुम लोग को रहना है मेरे साथ तो तुम लोग को इसी तरह ही रहना पड़ेगा। एंड सिंस मैंने अपने फर्स्ट हस्बैंड को छोड़ चुकी थी तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था कि मैं इसी के साथ, मुझे रहना पड़ रहा था। अच्छा। घुट घुट के मुझे रहना पड़ रहा था इस आदमी के साथ। अच्छा। लेकिन फिर भी मैंने अपने बच्चों को काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखी, मेरे दोनों बच्चों को। एंड बस डर इस चीज़ का था कि ये मुझे धमकी दे रहा था, मेरे बच्चे को जान से मार डालेगा, मुझे जान से मार डालेगा, मेरे वीडियोस वायरल कर देगा। तो कैसे कैसे करके हम लोग काफ़ी महीनों तक चुप थे इस चीज़ को लेके। बाद में बच्चों ने अपने पापा को बता दिए, उनके जो रियल फादर है। हाँ। उनको बता दिए। एंड जब उनको पता चला तो वो भाग के सबसे पहले 1:30 बजे रात को मानपड़ा पुलिस स्टेशन में गए। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने पॉस्को FIR लिया नहीं, इनका सुने भी नहीं उनकी बात। अच्छा। और उसके बाद फिर और 4-5 बार जाके भागदौड़ की कि मेरे बच्चों के साथ टॉर्चर हो रहा है, आप लोग कुछ एक्शन लीजिए, मेरा FIR लीजिए। फिर भी नहीं हुआ। फिर हम लोग गए मानपड़ा, मानपड़ा से मुमरा पुलिस स्टेशन। मुमरा पुलिस स्टेशन से बोले कि आपका केस जहाँ पे मानपड़ा में है आप वहीं पे जाइए। हाँ। वहाँ पे फिर हम लोग गए, कम से कम हम लोग 10 चक्कर काटे। अच्छा। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग गए कमिश्नर सर के पास। अच्छा। कमिश्नर सर के पास गए एंड उनसे बताए ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है हमारे साथ। तो कमिश्नर सर ने DCP सर को कॉल लगाए थे एंड उनको बोले कि ये ऐसा ऐसा चीज़ हो रहा है तो आप लोग क्या एक्शन क्यों नहीं लिए तुमने। हाँ। तो उनको सर ने जब डांटे तब जाके हम लोग मानपड़ा पुलिस स्टेशन DCP ऑफिस के पास गए। फिर मानपड़ा पुलिस स्टेशन में आप CP सर के पास, ये 5 तारीख याद नहीं सर मुझे, जयजीत सिंह जी मिले थे। हाँ, वो जी, ठीक है। वो थे वहाँ पे जी। एंड फिर मानपड़ा पुलिस में एक्शन फिर लिए। फिर मेरा FIR रात को 10 बजे तक, पूरा 2 बजे से लेके रात को 10 बजे तक मैं पुलिस स्टेशन में थी। अच्छा। एंड उसके बाद FIR हुआ, बस ये। तो FIR 3 तारीख को दर्ज हुआ आपका जी, 3 जुलाई को जी। आज 11 जुलाई है। हाँ हाँ, 3 तारीख को ही हम लोग कमिश्नर सर के पास गए एंड तुरंत एक्शन हुआ उसके ऊपर। अच्छा। हाँ, 3 जुलाई 3 जुलाई को ही। ये 3 जुलाई को आप CP साहब से मिले और CP साहब तीन जुलाई को नहीं, सेकेंड जुलाई को गए होंगे। सेकेंड जुलाई को हम लोग गए। फिर अगले दिन हमको बोले DCP सर से मिलो। हाँ। फिर आप DCP सर से जी, मिले जी। और 3 तारीख को मिलने के बाद फिर DCP सर ने ऑर्डर किया। हाँ। और फिर ये आपकी शिकायत दर्ज कराई। 3 तारीख को ही पूरा FIR दर्ज हुई जी। ठीक है। अब ये 3 जुलाई को FIR दर्ज हो चुकी है, आज 11 तारीख है। क्या पुलिस ने जांच की है, किस तरीके से अब तक जांच को आगे बढ़ाया है? आयो जो है PSI विद्या लांडे करके है, उनसे हमने बात भी की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने एंटीसिपेटरी फाइल की है एक्यूज ने अभय अथेन करने, और उनकी उम्र ज़्यादा है, कैंसर पेशेंट है और उन्होंने कैंसर पेशेंट होने के सारे मेडिकल पेपर सबमिट किए हैं। ठीक है। और अभी एंटीसिपेटरी के लिए वो गए इसलिए हम उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर 14 तारीख को एंटीसिपेटरी उनकी रिजेक्ट हो जाती है कोर्ट से, और हम भी कोशिश करेंगे पुलिस विभाग की तरफ से, एक आयो होने के नाते मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं उनकी बेल जो है एंटीसिपेटरी वो रिजेक्ट कराऊँ, तो ऐसा उन्होंने हमसे बातचीत के दौरान कहा है। अभी आपके ही सामने हमने फ़ोन पर बात की है उनसे, तो ऐसा उन्होंने कहा है। कितना आपको लगता है कि पुलिस आपका अभी तक आरोपी अरेस्ट नहीं होने की वजह से और एंटीसिपेटरी में इस तरीके की जो बात उनकी तरफ से कही जा रही है, क्या उस पर अमल करेंगी, वो क्या लग रहा है आपको? जी, सबसे पहले तो अभय गणपतराव अतनेकर कोई कैंसर पेशेंट है नहीं। अच्छा। वो सब फॉल्स रिपोर्ट बनाया है उसने। अच्छा। पैसा दे के बनाया है उसने। एंड ये इसी तरह से अपना कैंसर पेशेंट बोल के 5-6 साल से सबके घरों में घुसता है एंड देखता है कि कौन सा फैमिली ट्रैप में आएगा एंड उसको वो ट्रैप में लेता है। एंड जहाँ तक बात है पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन तो कर रही है, लेकिन उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? हमारा क्वेश्चन ये है कि पॉस्को केस में उसको अरेस्ट, FIR मीन्स अरेस्ट। एंड ऐसा भी नहीं है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो साइकिल चला रहा है, वो जिम जा रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, वो डांसिंग कर रहा है, वो नाच रहा है, आसपास में सबसे बात कर रहा है वो।
तो कहां से वो कैंसर पेशेंट, अपने आप को वो कैंसर पेशेंट बोलता है, वो भी थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज का मतलब ही शुड बी इन द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों छूटा, छूट के क्यों अलग से रह रहा है वो? वो अपने आप को कैंसर पेशेंट बोलते हैं, तो उसमें थर्ड स्टेज में क्या होता है कि कीमोथेरेपी होता है एंड वो पूरी तरह से बेड रिडन होना चाहिए, हॉस्पिटलाइज होना चाहिए वो आदमी, उसके बाल पूरे झड़ने चाहिए। तो ऐसा तो कुछ कहीं से लग नहीं रहा है, कीमोथेरेपी तो कुछ उसका चल नहीं रहा है। तो ये इसका मतलब है कि इसके जो डॉक्यूमेंट जो सब दिखा रहा है मेडिकल, इज ऑल फॉल्स, बोगस, ऑल बोगस। सो इमिजिएटली उनको उनको अरेस्ट करना चाहिए। इस टाइप के लोग समाज में दाग है, धब्बा है इस टाइप के जो आदमी होते हैं। आज मेरे बच्चों के साथ किए हैं एंड कल को उसी बिल्डिंग में काफ़ी बच्चों के साथ हो सकता है। अच्छा, दो आखिरी बातें मैं आपसे करना चाहूँगा जी। एक बात ये कि आपने एक बात बताई कि आपके कुछ वीडियोज़ है अभय गणपत अथेनकर के पास जी, तो क्या आपको उसके खिलाफ जो है उसने ब्लैकमेलिंग किया है, वो वीडियोस वायरल करने की धमकी दे करके अब तक के उसने जो कुछ भी किया है, अत्याचार जो भी किए हैं, तो आप उसका एक अलग से ऑफेंस रजिस्टर्ड कर सकती है? जी, मुझे करना है वो भी। आप करने वाली हैं? जी, वो भी मैं करने वाली हूँ। अब दूसरी बात ऐसी है कि इस मामले में आप थाने के हमारे माननीय पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह जी के पास गई, वहां से डीसीपी साहब के पास गई, तब जाकर के एफआईआर दर्ज हुआ है। तो अब इन दोनों वरिष्ठ अधिकारियों से जी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए क्या कहना चाहोगी? मुझे यही बोलना है सर से, वरिष्ठ अधिकारी से, कि मुझे जस्टिस चाहिए एंड इस टाइप के जो आदमी है अभय अथनेकर को बेल कैंसिल किया जाए एंड उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज। आपने सुना, 14 वर्षीय लड़का, 7 वर्षीय लड़की, दो बच्चों की माँ, किस तरह से बाल लैंगिक अत्याचार हुआ है। यानी कि एक माँ को और उनके असल पिता को दूर रहने के बावजूद जानकारी मिलती है और 4 से 5 दिन पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने के बावजूद अपराध दर्ज नहीं किया जाता है। अपराध दर्ज नहीं, उसके बाद दोनों जो है अलग अलग तरह से या इकट्ठा होकर के थाने पुलिस आयुक्त के पास जाते हैं, तब जाकर के डीसीपी सर को जो है कमिश्नर सर ऑर्डर करते हैं, वहां से जब मानपड़ा पुलिस स्टेशन को ये ऑर्डर्स आते हैं तब जाकर के इनकी एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद अपराधी आज तक गिरफ्तार नहीं। हालांकि पीएसआई विद्या लांडे का कहना है कि एज और कैंसर की बीमारी, इस फैक्टर पे जो है कहीं ना कहीं नरमी आई है और उसका एंटीसिपेटरी बेल आरोपी का जो है वो रिजेक्ट कराने की 100% कोशिश की जाएगी। अब देखते हैं 14 तारीख को क्या इन दोनों बच्चों को और उनकी पीड़ित माँ को मानपड़ा पुलिस इंसाफ देगी, जिस तरह से सम्माननीय पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह जी ने और यहाँ कल्याण जोन के जो डीसीपी सर हैं उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए फौरन अपराध दर्ज करवाया 2 जुलाई से लेकर 3 जुलाई के बीच में। तो क्या अब ये दोनों वरिष्ठ अधिकारी फिर एक बार इस पीड़ित माँ की गुहार सुनने के बाद, इस पीड़ित माँ की जो है अपील सुनने के बाद, क्या फौरन मानपड़ा पुलिस स्टेशन को ऑर्डर करके आरोपी को सलाखों के पीछे पहुँचाएंगे या नहीं? अगर नहीं पहुंचाया गया तो 14 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कल्याण सेशन कोर्ट से अगर आरोपी को अग्रिम जमानत मिल जाती है तो मामला संदेहास्पद बना रहेगा और फिर एक बार इस मामले को हम आपके सामने लेकर के आएंगे, उसके अगले फॉलोअप को लेकर।